सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो यूपीपीएससी ने स्टाफ नर्सेज ग्रेड टू के लिए वैकेंसीज निकाली है मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यूपीपीएससी द्वारा जो है तो ये वैकेंसीज निकाली गई है, तो इसके बारे में हम पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे कि जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब कब आप अप्लाई कर सकोगे, लास्ट डेट कब एप्लीकेशन की है, एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, कैसे आप अप्लाई करोगे और कितने जो तो फीस पेमेंट की डेट क्या रहेगी, वैकेंसीज कितनी होगी, पोस्ट किस पोस्ट के लिए, मतलब किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं और कितनी मेल के लिए है, कितनी फीमेल के लिए है, साथ ही साथ सैलरी की बात करें तो किस पोस्ट की कितनी सैलरी होगी, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसके, मतलब इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्टर, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बनिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और चैनल पर भी नए तो इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले आगे के अपडेट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको डेट बता देता हूं इंपॉर्टेंट डेट्स का क्या है कि आपको एप्लीकेशन की डेट 16/7/2021 से स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट इसकी है 12/8/2021, मतलब 12 अगस्त 2021, ठीक है। और 16/8/2021 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन होगा, ठीक है। यह आवेदन रिसिप्ट मिलेगी और सबमिशन आपको 16/8/2021 तक करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें वैकेंसीज की, तो आपके पास वैकेंसीज आई हुई है कुल मिलाकर के ग्रेड टू के लिए, मेल के लिए 341, ठीक है, 341, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2671, ठीक है, 2671 फीमेल कैंडिडेट के लिए। और इसमें कौन कौन सी कैसे वैकेंसीज है, किस पोस्ट पर, जैसे मेडिकल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट यूपी के, ठीक है, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट यूपी का ही, और के ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि केजीएमयू के लिए है, केजीएमयू के लिए भी है, इसके लिए कई सारी जो है तो वैकेंसीज अभी डिक्री इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है। अब डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी हो सकती है, बढ़ सकती है, सर्कमस्टेंस पर डिपेंड करता है केजीएमई के लिए, ठीक है। इसके बाद पोस्ट की बात करें तो टेम्प्रेरी अभी ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए आपके लिए जो है तो ये वैकेंसीज आई हुई हैं। और सैलरी की बात करें आपकी, तो सैलरी आपके 9300 रुपये से 34800 रुपये तक है, ठीक है, जो कि लेवल 7 में बढ़ करके आगे मैट्रिक्स 44900 से 142400 तक हो जाती है, ठीक है, ये सैलरी की बात रही। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या, आप एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बात करें तो 10th और 12th दोनों पास होना चाहिए, उसके साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग से डिग्री या डिप्लोमा होना ही होना चाहिए, ठीक है, इतनी नॉर्मल जो है मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। और फिर साथ ही साथ अगर आपको केजीएमई के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, 10th 12th बीएससी नर्सिंग तो है ही, और ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अगर केजीएमई के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो मेल कैंडिडेट जो है तो उसके 2 वाइफ नहीं होनी चाहिए, या फिर वो फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उसकी शादी उससे नहीं होनी चाहिए जिसकी पहले से एक बीवी या कि जिसके एक मतलब वाइफ पहले से हो, ठीक है, तो ये अप्लाई नहीं कर सकते, और नॉर्मल सभी अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के ये कहें कि जिनके पास एक वाइफ एक हस्बैंड हो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 21 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग से बात करें अपन अगर तो 2 जुलाई 1981 के पहले का नहीं होना चाहिए, और इसके साथ 1 जुलाई 2000 से के मतलब बात का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप जो है तो एज अपनी मिला सकते हो कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर के 21 साल से कम नहीं, इस जो कि डेट दी हुई है इससे आप मिक्स मतलब मिला लें कि कितनी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ रिलैक्सेशन भी है जो भी रिजर्व कैटेगरी है जो कि यूपी गवर्नमेंट के अनुसार, तो आप देख सकते हैं आपको पता होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको जो तो रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस आपकी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से और या फिर ओबीसी से आते हैं तो आपको 100 रुपये चार्ज लगेंगे, साथ ही साथ 25 रुपीज़ जो कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज होती है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 125 रुपये। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब SC ST के लिए केवल 65 रुपीज़, हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपीज़, और एक्स सर्विसमैन के लिए लगेगी 65 रुपीज़, ठीक है। ये थी एप्लीकेशन फीस। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, और एग्जाम में आपको 100 मार्क्स होंगे और उसमें से 85 कम से कम मतलब अबली उसे क्रॉस करने के लिए 85 मार्क्स आपके पास होने आपके पास मतलब आपको होना चाहिए। इसके साथ मेरिट लिस्ट उठेगी, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका जो तो सिलेक्शन होगा, ठीक है, ज्वाइनिंग होगी, वो सारी चीज़ें बाद में बताई जाएगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो जो कि आपको आवेदन करते वक्त एप्लीकेशन अप्लाई करते वक्त इस वैकेंसी के लिए याद रखना है,
हाँ, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह सारे कुछ, सारा कुछ आपको क्लियरली, मतलब कहा जाए तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, सब कुछ आपको अप्लाई करते वक्त अच्छे से मेंशन करना है। ये आप नोटिस पढ़ सकते हो, मैं लगा देता हूँ, इस नोटिस के हिसाब से आप जो भी है तो पढ़ लेना, ठीक है। तो अप्लाई कर दें, डेट अभी जो है तो अगस्त तक है, 18 अगस्त तक है, तब तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स पाने के लिए, हर प्रकार की वैकेंसीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।